दोस्तों हमारे YouTube चैनल बाइक सेटिंग ट्रिक्स में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि भाई हमारी गाड़ी का जो गियर है वो बिल्कुल स्मूथ पड़ रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम न्यूट्रल करते हैं तो उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम होता है, यानी कि कभी न्यूट्रल हो जाती है और कभी न्यूट्रल नहीं होती। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सी बात है और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको सिर्फ एक 11 नंबर का पाना चाहिए और खोलना भी कुछ नहीं है, बाहर से ही आसानी से हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके पास इन्फॉर्मेशन रॉन्ग पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और आपके सभी क्वेश्चन का आंसर मैं वहाँ पर बहुत जल्द दे देता हूँ। तो दोस्तों लीजिए वीडियो स्टार्ट हो गई। तो इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो है न्यूट्रल होने की, कभी ये गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है और कभी नहीं होती है। देखिए एक एक बार गियर डालेंगे तो एक एक बार ये न्यूट्रल हो जाएगी और एक एक बार न्यूट्रल नहीं होगी, ठीक है। देखिए एक एक बार ये न्यूट्रल होगी, एक एक बार न्यूट्रल नहीं होगी। तो इसमें क्या करना है हमको, तो वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको लूज करेंगे, इसमें क्या है ना गियर भी पूरे अच्छी तरीके से पड़ रहे हैं, चारों गियर आराम से पड़ रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल होने में दिक्कत कर रही है गाड़ी। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कोई जिसे इसको खोलता है काम के लिए और गलती से ये वाले स्क्रू को भी घुमा देता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर ये कितना ऊपर आ रहा है और यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो हमको इसको नीचे की तरफ करके और इसको टाइट कर देना है, वो मैं टाइट करके ले लेता हूँ। और अब देखिए, ठीक है, अब इसको अगर हम मारेंगे तो इसको पूरा न्यूट्रल होगा। देखिए गैप कितनी आ गई बीच में और वहाँ टायर देखिए, ठीक है। तो अब इसको पहले मैं गियर में डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, और अब एक ही बार में न्यूट्रल होगी। देखिए फिर एक बार डाल के दिखाता हूँ, तो जब ये गैप ऊपर रह जाती है ना, ये सॉरी इसको बोलते हैं ना ये न्यूट्रल एक्सपेंडर स्टॉपर, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है तो गाड़ी जो है न्यूट्रल होने में दिक्कत करने लग जाती है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, भाई मेरी गाड़ी में तो गियर सब आसानी से पड़ रहे हैं लेकिन जो है न्यूट्रल में दिक्कत करती है। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है, ठीक है। तो इसे हमेशा ध्यान रखिए कि इसका जो ये है ना ज़्यादा वाला हिस्सा वो नीचे की तरफ रहना चाहिए और ये ऊपर की तरफ। तो इसमें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर गैप मिल जाता है, जो न्यूट्रल एक्सपेंडर है वो पूरी तरीके से नीचे चला जाता है, इसलिए गाड़ी को तुरंत न्यूट्रल होती है। कई कई बार आवाज़ आती रहती है किट 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 और न्यूट्रल नहीं होती तो भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हम आपसे मिलते हैं जल्दी हमारी आने वाली दूसरी वीडियो में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं हमारी दूसरी आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आप इस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एक बार इस सेटिंग को ज़रूर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सपोर्ट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं हमारी आने वाली दूसरी वीडियो में।